मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। दरअसल राहुल ने कहा था कि सिंधिया कांग्रेस में होते तो अब तक सीएम बन गए होते, जिसका जवाब देते हुए गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी को इतनी देर से समझ आया कि वो सिंधिया के बिना शून्य है। दरअसल में ये दोनों लोग अपने आप को जवान साबित करने, मैं चाहत कहूं या उसे कहूं प्रदर्शित करने की, उसमें पूरी कांग्रेस को बूढ़ा कर दिया इन्हें। सागर में एक बार मंच से कूदे, कभी जैकलीन, कभी अभी मैं जवान हूं, उम्र हो गई तो क्या हुआ, महिला दिवस पर ऐसी बातें, पता नहीं उन्हें क्यों शोभा देती है, मुझे तो शोभा नहीं देती। बहुत जल्दी समझ में आ गया आदरणीय राहुल गांधी जी को कि बिना सिंधिया के मध्य प्रदेश में कांग्रेस शून्य है। अच्छा, अगर मान लो वो ऐसा कर सकते हैं तो एक प्रयोग करें, राजस्थान में सचिन पायलट जी को बना दें। 2 साल में जो लोग कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाए वो मुख्यमंत्री बनाने की बातें कर रहे हैं। कहा था दूल्हा बना के मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर दिया उनको, पूरे चुनाव लड़ा सिंधिया जी के चेहरे पे, और जैसे ही सरकार बनी तो बुजुर्ग से भामरे कर दी, 11 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, 15 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे। नहीं बदला, हमको बदलना पड़ा। फिर काफी चिंता का विषय है सरकार का, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं बैठक ले रहे हैं, उसके प्रकोशन और एहतियात यूज किए जा रहे हैं, लोगों को इसके लिए जागरूक पुनः किया जा रहा है, अभी लगातार कोशिश जारी है। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया अब तो स्कूटी का गिरना तय है, आचार संहिता के बाद तो संभालने वाले भी चले गए होंगे, बहुत जल्दी सरकार चली जाएगी। उल्टी गिनती शुरू हो गई है पश्चिम बंगाल में तृणमूल की सरकार की, कांग्रेस तो यही कहेगी और कांग्रेस के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। दरअसल में हम मानते हैं कि मीडिया ने क्या लिखा, हम मानते हैं अर्थशास्त्री क्या बोले, हम मानते हैं व्यापार जगत क्या बोला, चैम्बर क्या बोली। आप देखिए इतने सारे लोगों ने इस कोरोना काल में, इस लॉकडाउन के काल में इस बजट की तारीफ की है। बाकी तो हम कितना भी अच्छा करें, जब वो 370 की आलोचना कर सकते हैं, जब वो सेना की आलोचना कर सकते हैं, जब वो स्वाभाविक रूप से ईवीएम की आलोचना कर सकते हैं, जब स्वाभाविक रूप से वो चुनाव आयोग की आलोचना करते हैं, न्यायालय की आलोचना कर सकते हैं, तो हम क्या उम्मीद करें उनसे।